अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू इमालानी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में आज हम डिस्कस करेंगे ब्राउन एल को ओके okay? सो so, इससे पहले हमने जितने भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा डिस्कस किए हैं जिसमें डायनोप्लाजिलियट्स है डाइटम्स वगैरह है वो सारे के सारे ऐसे प्लांट लाइक प्रोटिस्टस थे जो कि यूनीसेलुलर थे यानी सिंगल सेल पर मुश्तम ऑर्गेनिज्म थे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल को या ब्राउन एल को तो क्या है मल्टी सेलुलर है यानी कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनने वाली प्रोटिस्टस हैं ओके अगर हम इनकी बात करें तो इनको हम जेंट और द प्रोटिस्टस किंगडम भी कहते हैं जेंट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि सबसे बड़े जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टस किंगडम के उनको हम जेंट्स बोलते हैं ओके वो इस वजह से बोलते हैं इनके साइज की वजह से क्योंकि दे है फ्यू सेंटीमीटर टू सेवेंटी फाइव किलोमीटर लेंथ इनकी इतनी लेंथ होती है कि सेवेंटी फाइव किलोमीटर तक भी ग्रो कर जाते हैं ओके सेवेंटी फाइव किलोमीटर आप सबको पता है बहुत ज़्यादा लेंथ होती है तो इस वजह से इनको जेंट्स ऑफ प्रोटेस्ट किंगडम बोला जाता है हैबिटेट की बात करें रहते कहाँ पे हैं ये लोग आ, तो फाउंड इन कूलर मेरीन वाटर जहाँ पे ठंडा पानी होगा वहाँ पे ज़्यादा इनकी जो स्पीशीज़ है वो देखी गई हैं और स्पेशली अलोंग रोकी कोस्ट लाइन ओके रॉकी कोस्ट लाइन पर ज़्यादा होती है जहाँ पे जो रोक्स वगैरह भी मौजूद होते हैं किसी ना किसी चीज़ के ऊपर ये अपने आप को जो होल्ड करके रखते हैं रोक के रखते हैं या किसी एक चीज़ के साथ ही चिपक जाते हैं ओके okay? नेक्स्ट इनकी कैल्प्स फॉर्मेशन की बात करेंगे इनके पास ये एबिलिटी है कि द ब्राउन एल लार्जेस्ट ब्राउन एल कार्ड कैल्पस जो लार्जेस्ट ब्राउन एल होती है जैसे फॉर एग्जांपल सेवेंटी फाइव किलोमीटर लेंथ जब बनाते हैं तो इसको हम कैल्पस बोलते हैं ओके और सबसे लार्जेस्ट ब्राउन एल को ही कैल्पस बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये एम है इसको आप लोग जो है वो आ, अपनी बुक पे नोट कर लें कैल्पस किसको बोलते हैं लार्जेस्ट ब्राउन एल ओके टफ़ एंड लेदरी अपेयरेंस देते हैं ये ओके नाउ हम बात करते हैं इनके प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स की तो प्लांट लाइक में इनके पास क्या है लीफ लाइक ब्लेड्स स्टेम लाइक स्टाइप्स इनके पास मौजूद होते हैं रूट लाइक होल्ड फास्ट होते हैं अब ये सारे रूट की तरह के या लीफ की तरह के या स्टेम की तरह के पेरेंट्स होते हैं बट ट्रू नहीं होते हमने यही पढ़ा ना प्रोटिसटस जो है वो ट्रू प्लांट नहीं है इनके पास खसूसियत तो मौजूद है बट ये ट्रू नहीं है ओके सो so, यहाँ पर इनके पास इस तरह की कुछ आ, कुछ जो है वो आ, स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं ओके अब नाउ हम ये देख लेते हैं ये एक स्ट्रक्चरस है लेमिनेरिया का अब आपको देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा सा प्लांट है ठीक है अब इसमें यहाँ पे देखें रूट लाइक है होल्ड फास्ट ठीक है होल्ड फास्ट कोई क्या करता है किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल करता है अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है उस सबस्ट्रेटम से ये क्या लेगा पानी लेगा या उस सबस्ट्रेटम से ये अपनी जो है न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेगा नहीं ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं ओके तो ये सिर्फ होल्ड फास्ट इस्तेमाल करते हैं उसके साथ अटैचमेंट के लिए क्योंकि ये पानी में ही पड़े रहते हैं तो इनको इस चीज़ की जरूरत नहीं है कि ये अपनी जड़ों को गाड़ लेगा किस ज़मीन के अंदर या रॉक के अंदर जिस वजह से ये इजीली अब्ज़ॉर्ब करेगा वाटर ठीक है क्योंकि अब्ज़ॉर्ब अब्जॉर्पन की जरूरत नहीं है इसमें ज़्यालों और फ्लोएम नहीं होती है एब्जॉर्व करेगा और पानी लेगा ओके एंड दिस इज़ अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चरस टाइप एंड दिस इज़ अ लीफ लाइक ओके तो लीफ लाइक को हम क्या बोलते हैं ब्लेड्स बोलते हैं होप सो so, आप लोगों ने आज का जो 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 लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा बहुत सिंपल सा लेक्चर था इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक और एल जी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़